टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां रोडवेज बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई है और इस टक्कर में 6 लोग घायल हुए हैं। हादसा कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के परसा गोडरी के पास में हुआ है। रोडवेज बस और एक ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घायलों की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि 6 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। बस यात्रियों को लेकर लखनऊ से गोंडा की तरफ आ रही थी और ये ज़बरदस्त टक्कर हो गई है बस और ट्रक के बीच में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ट्रक और बस का आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन गनीमत रही किसी की जान इसमें नहीं गई है। 6 लोग घायल हैं, घायलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है।